केंद्र बिंदु है, जरा वो भी जान लीजिए। इंटरव्यू में जो अंक का सिस्टम था उसको लेकर जवाब मांगा गया है, इंटरव्यू में जो अंक दिए गए थे उसको लेकर जवाब अब देना है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को। देखना बेहद अहम होगा कि 10 दिन के अंदर क्या जवाब आता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से। विनोद मिश्रा जुड़े हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के लिए। विनोद, अगर बात करें यूपीपीसीएल ए परीक्षा 2019 गड़बड़ी की, इसमें अब जवाब मांगा गया है और जवाब का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है कि इंटरव्यू में जो अंक दिए गए थे उसको लेकर स्थितियां साफ करें, जवाब दें। बिल्कुल, ये 2019 का इंटरव्यू था, यूपीपीसीएल ए की एग्जाम था। इसमें कहा गया कि 225 जो नंबर का 200 नंबर का अंक था, इसमें लिखित 175 25 नंबर था वो इंटरव्यू का था। इसी 25 नंबर को लेकर जो है वो सवाल था। इसमें कहा गया कि ये जो अंक थे अभ्यर्थियों के वो गोपनीय रखे गए और कहा गया कि इसी आधार पर इस एग्जाम में गड़बड़ियां हुई सिलेक्शन के दौरान, खासतौर पर जब इंटरव्यू के मार्क्स को आपको डिस्क्लोज नहीं करना था तो जो लिस्ट बनाई गई उसी अंक को आधार बनाकर बनाया गया था और यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। इसको लेकर इस पूरे मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर के द्वारा। आज कोर्ट ने उनकी याचिका को सुना है और इस पूरे मामले पर सरकार ने जवाब मांगा है कि भाई 10 दिनों में जवाब दिया जाए कि आखिर जो आरोप है याचिका के कि 25 सितंबर को डिस्क्लोज नहीं किया गया तो किस आधार पर ये डिस्क्लोजर था वो नहीं किया गया, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर को डिस्क्लोज करना होगा तभी साफ हो पाएगा कि रिटर्न में कितने नंबर थे और जो इंटरव्यू था उसमें कितने नंबर थे और इसी के आधार पर जो लिस्ट बनती है तो फिर उस नंबर को डिस्क्लोज करना चाहिए। 10 दिन का वक्त दिया गया, 10 दिन बाद इसमें जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मिश्रा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।